हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की टुडे एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे XAU USD पेयर यानी कि गोल्ड में वन हावर के टाइम फ्रेम में काफी अच्छा सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। तो आज हम किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से हमें एनालाइज करना है, इस वीडियो में हम आगे सबको समझने वाले हैं। तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों, यहां से देखिए मैंने वन हावर का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे मुझे एक पैरालाइज चैनल के अंदर ड्राइव करते हुआ नजर आ रहा है गोल्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैरालाइज चैनल को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्टली हमारे पैरालाइज चैनल के अंदर ट्रेड करते हुआ नजर आ रहा है XAU USD वन हावर के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस लेवल को देखिए सपोर्ट लिया है और मिडिल लाइन को भी काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए मिडिल लाइन का रेजिस्टेंस दिया, फॉल किया, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से फॉल किया, इसके बाद देखिए रेजिस्टेंस लिया और फिर से यहाँ से इस लेवल के आसपास आसानी से हमें देखने को मिल सकता है। अब इस लेवल के आसपास देखने को क्यों मिल सकता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए ये वाला हमें एक सपोर्ट एरिया भी नजर आएगा। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप अच्छे समझ पाएंगे। इस लेवल को देखिए रेजिस्टेंस लिया है और इसी लेवल को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। यहाँ पे इस लेवल को काफी अच्छे से प्रीवियस टाइम मार्केट ने देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। देखिए इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फॉल किया, अगेन इस लेवल का रेजिस्टेंस, फिर से फॉल, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया। तो आप समझ सकते हैं ये वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, एक मैग्नेट की तरह यहाँ पे काम कर सकते हैं और इस लेवल के आसपास हमें गोल्ड बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। अब लेवल कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग व्यू में अगर हम बात करें तो इस लेवल के आसपास 1793.870 के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है गोल्ड। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए फिबोनाची को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये वाला हमें लो पकड़ना है एंड ये वाला हाई दिख रहा है ना, लो टू हाई, जैसे हम फिबोनाची को यहाँ पे मार करेंगे तो ये फिबोनाची का हमें लास्ट लेवल भी देखने को मिलेगा 0.618% का लेवल। और इस लेवल को मार्केट यहाँ पे देखिए ये वाला लेवल आपको साफ साफ नजर आएगा। देखिए ये वाला जो हमारा सपोर्ट एरिया है एग्जैक्ट इसी लेवल पे हमारा फिबोनाची का एक लेवल भी देखने को मिल रहा है, इस लेवल के आसपास बहुत आसानी से हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सिंपल है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप बाइंग की तरफ देख रहे हैं गोल्ड में तो आपको वेट करना चाहिए इस लेवल के आसपास। जैसे गोल्ड यहाँ से सपोर्ट लेता है, इस लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से आपको कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप यहाँ से बाइंग की तरफ देख सकते हैं। एंड योर टारगेट अगर आप देना चाहते हैं यहाँ पे तो देखिए ये वाला जो मिडिल लाइन है ना, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला मिडिल लाइन आपको देखने को मिलेगा। पैरालाइज चैनल का ये मिडिल लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टारगेट आप इस लेवल का दे सकते हैं एंड जैसे इस लेवल का ब्रेक होता है तो आप सेकंड टारगेट इस लेवल के आसपास यहाँ पे रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर आप सेलिंग की तरफ देख रहे हैं XAU USD में तो आप यहां से सेलिंग की तरफ भी देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए वेट करना चाहिए। ये वाला सपोर्ट ब्रेक जैसे ही होगा, ब्रेक के बाद आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, यहां से वेट करना चाहिए प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, या तो मार्केट यहां पे इस लेवल को रिटेस्ट करने आए या फिर आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिले तभी आप यहां से सेलिंग की तरफ देख सकते हैं फ्रेंड्स। एंड टारगेट की अगर बात करें तो इस लेवल के आसपास आप यहां पे टारगेट दे सकते हैं। ये देखिए इस लेवल को मार्केट ने प्रीवियस टाइम काफी अच्छे से सपोर्ट लिया है, देखिए यहां सपोर्ट लिया है तो इस लेवल के आसपास बहुत आसानी से सपोर्ट लेने आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से हम आज XAU USD में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और इस तरीके से हम एक एनालाइज कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे तो जो पैरालाइज चैनल यहां पे हमने ड्रॉ किया है, जो भी एनालाइज यहां पे हमने किया है, इस इमेज को मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया ताकि आप इस इमेज को देखकर अच्छे से एनालाइज कर पाए। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।